दोस्तों आज हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली में उत्तम नगर की एक कॉलोनी जिसका नाम है परमपुरी। यहाँ जो पहले अनियमितताएं थी वो तो अब आपको नहीं दिखाई जा सकती, लेकिन आपको बताया जा सकता है उनके बारे में। ये वो सड़क है जिसको पिछले 2.5 महीने से इम्प्रूव किया जा रहा है। झाड़ू लगाई, डस्ट हटाई, क्योंकि सांस में सबसे पहले यही जा रही थी। उसके बाद जगह जगह कचरा इकट्ठा हो रखा था। जो MCD के कर्मचारी हैं वो आके एक जगह इकट्ठा कर जाते हैं और वो कहते हैं हम इसे उठाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, वो गाड़ी आई, वो गाड़ी कब आती है पता नहीं। मेहमान मेरा आज आया है तो ऐसा तो है नहीं काम वाली नहीं आई तो मैं अपने घर में कूड़ा करकट दिखने दूंगा। तो बेटर है कि उसे रोज उठाएं, तभी के तभी उठाएं। तो हमने उठाना शुरू किया अपनी अपनी फॉर्च्यूनर कार के अंदर। हम लोग नाली का कूड़ा और सड़क का कूड़ा 12-12 बोरियां हमने उठा के मेन कूड़ेदान में डाली हैं, ताकि कॉलोनी वालों को मैं ये मैसेज दे पाऊँ कि मैं सिर्फ लग्जरी को एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, लग्जरी मेरी कूड़ा उठाने के काम आ रही है। तीसरा नंबर क्या हुआ कि हमने सड़क के गड्ढे भरे, क्योंकि धूल उसमें भी फंसी हुई थी। बार बार सड़क साफ करते थे जो मिट्टी निकलती जा रही थी, तो रोड़ी कंक्रीट लेके और सीमेंट लेके बदरपुर लेके पक्का मसाला बना के हमने बड़े बड़े गड्ढे भरे। लोगों ने पानी के कनेक्शन ले रखे थे, उसमें से नालियाँ बनी हुई थी, वो भरना लोग भूल जाते हैं, बस अपना कनेक्शन लेके अपना काम बन जाता है उनका। तो वो किया और सड़कों पर से हमने कारें हटवाई जो कि गलत तरीके से यहाँ पार्क कर रखी थी, जिसकी वजह से लोग यहाँ से जा नहीं पाते थे और सबसे बड़ी मुसीबत ये होती थी एम्बुलेंस फंस जाती थी। उसके बाद हमने जो गंदापन देखा सड़कों पे पुराने पोस्टर वगैरह चिपके हुए थे सब हटाए, खंभे साफ किए और अब पौधे लगा दिए हमने, सब ग्रीन कर दिया और सड़कें खाली होने की वजह से ट्रैफिक तेज हो गया था तो मजबूरी में हमें यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनाने पड़े, जेब्रा क्रॉसिंग बनाई। तो इस तरह से अब पेंटिंग्स बना रहे हैं। बनाना चाहते हैं, CCB प्रोग्राम है, क्लीन, सबसे पहले साफ होनी चाहिए दुनिया, सड़कें साफ होनी चाहिए, देन क्लियर, बाधा रहित होनी चाहिए और बी ब्यूटीफुल। उसके बाद अगर समय बचता है, टाइम बचता है और संसाधन बचते हैं तो आप उसे सुंदर बनाओ, लेकिन सबसे पहले क्लीन और क्लियर जरूर होना चाहिए, क्योंकि रास्तों का काम एक ही है, आना और जाना, राहगीर को ले जाना और आना, आसान होना चाहिए। लेकिन वही काम दिल्ली के रास्तों पे नहीं हो पा रहा है, लोग आने जाने में ही दिक्कत महसूस कर रहे हैं, बाकी सारे काम आसानी से चल रहे हैं। कोई भी काम कर लीजिए उसमें आप। सड़क रास्ते सिर्फ एक ही काम के लिए बनते हैं, आने और जाने के लिए। तो मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है और जो भी इस विभाग से संबंधित लोग हैं उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस देश के, इस दुनिया के रास्तों को सिर्फ रास्ता रहने दो,